बच्चों, गुड मॉर्निंग। आओ हम अपने जंगल को जानने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये जड़ी बूटियां हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। सबसे पुराने नाम जो हैं संस्कृत भाषा के हैं। संस्कृत भाषा में भी इन जड़ी बूटियों के नाम हैं पेड़ पौधों के, और उसमें फिर डोगरी के नाम, हिंदी नाम, कश्मीरी नाम, पंजाबी नाम जुड़ जाते हैं। तो ये देख रहे हो पौधा, ये जो है ब्रैंकड़ है। डोगरी में हम ब्रैंकड़ कहते हैं, लेकिन संस्कृत विद्वानों ने इसका नाम वासा भी रखा, और इसीलिए कुछ लोग हिमाचल में, जहाँ बसोली में, बसूटी भी बोलते हैं, जो वासा से निकला हुआ शब्द है। लेकिन इसका एक और नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम, सिंहास्य। शेर के हंसने वाली मुद्रा में इसका फूल दिखाई देता है। जिस तरह से सिंहासन, सिंह के आसन पे बैठने वाला राजा होता था, या हम बावलियों में देखते हैं जो पानी निकलता है, शुद्ध महादेव में जाते हैं वहाँ देखते हैं, तो वो जो पानी निकलने वाला जो पत्थर का तराशा हुआ मुंह होता था, वो भी शेर का मुंह होता था। शेर के मुंह की तरह आकृति बनी होती थी। वैसा ही ये ब्रैंकड़ जो है, इसके फूलों को हम देख सकते हैं। तो इसलिए इसका संस्कृत का एक और नाम है सिंहास्य। आयुर्वेद का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट है, ब्रोंकोडाइलेटर है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में इस्तेमाल होता है। तो बहुत, और इसमें हनी होता है, अगर हम इसका फूल लें और हनी चूस सकते हैं। इसी तरह से ये एक और पौधा जो है आप देख रहे हैं, ये है गरना। और ऐसे ही एक और पौधा होता है जो आपके आगे पीछे बहुत है जंगलों में, जिसको कहते हैं ककुआ। तो ये दोनों पेड़ जो हैं कांटों से भरे होते हैं, लेकिन दोनों मेडिसिनल हैं। गरना जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, करौंदा, और जो ककुआ है उसको कंडेई कहते हैं, या संस्कृत में विकंकत। और इसके फल भी हम खाते थे बचपन में, और आपको भी इन दिनों अब पकने लगे हैं ककोए के फल भी। और गरने के ऊपर तो बड़े खूबसूरत खुशबूदार फूल हैं इस वक्त, सफ़ेद रंग के, चमेली की तरह। लेकिन इसको, गरने को अंग्रेजी में बोलते हैं कोंकर बेरी, और जो ककोआ है विकंकत उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैडेगास्कर गवर्नर्स प्लम। और इसकी बार की चाय भी बनती है, ककोए की चाय। और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, और ये प्लेट जो है, ये फल खाइए, आप एक एक फल ले लीजिए। ये फल जो है इसको बोलते हैं काफल, या कावा फल भी बोलते हैं, या कावा भी बोलते हैं, काफल। बे मिर्टल अंग्रेजी नाम है इसका, या बॉक्स मिर्टल, माइरिका एस्कोलेंटा। ये सिर्फ चोर मोटू के जंगल से हमने आपके लिए ये फल लाए हैं। ये जो फल हैं काफल के, इन दिनों पकने लगे हैं, खासकर ये मई महीने में पकते हैं। और खाने में ही नहीं, ये औषधीय गुण भी रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स, फाइटोकेमिकल जो इसमें होते हैं, वो हमारे दिल के लिए, हमारे रक्त विकारों के लिए बहुत ही सहायक हैं, बहुत ही औषधीय जो शफा हमें देते हैं। लेकिन ये पेड़ जो है हमारे अभी नर्सरियों में नहीं है, तो अभी हाल ही हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस जो गुजरू नगरोटा में नर्सरी है उसमें शामिल किया है, इसको भी हम उगा रहे हैं काफल को। काफल का पेड़ जो है जब नर्सरियों में आएगा, तो हम चाहेंगे कि लोगों के घरों में भी ये लगना चाहिए, इसका भी वनीकरण होना चाहिए, इसको भी हम रोपित करें। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये जो मलबरी है, शहतूत, आपके स्कूल के बगल में ही इस बगल लदा हुआ है मलबरी शहतूत, ये भी खाना चाहिए। बहुत ही रिच है ये एंटीऑक्सीडेंट्स में, और बहुत अच्छा शरबत भी इसका बन सकता है। ऐसे आप देखें, अभी पीले आके आने वाले हैं अब मौसम, येलो रेसबेरी, हिंसालू कहते हैं उसको हिंदी में, और गोल्डन हिमालयन रेसबेरी अंग्रेजी में, या डोगरी में आखे आखरे। और इसके साथ ही एक परिंदे का नाम भी जुड़ता है, प्योके पेजो, या आखे पाके मैंने चाखे, प्योके पेजो। और खास पेड़ जो इस वक्त, अभी तो यहाँ फ्लावरिंग थोड़ी जल्दी हो गई थी, अभी उसके फल बनने लगे हैं, और जो बहुत ही धार्मिक पौधा है, मानसर के आगे पीछे अभी भी इसमें काफ़ी फूल खिले हुए हैं, लेकिन गुजरू नगरोटा में फ्लावरिंग हो गई पहले। तो ये है पलाश का पेड़, पलाश, जिसको हिंदी में ढाक भी कहते हैं, और ढाक से ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम है। और पलाश को डोगरी में हम पला कहते हैं, तो पला वाला जगह भी पला के नाम से है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75 साल, उसमें हमारा जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, लॉर्ड क्लाइव और सराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे उनके बीच में,
और मीर जाफर जो था वो गद्दार निकला और वो अंग्रेजों से मिल गया और हम जंग हार बैठे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य जो स्थापित हो गया था हिंदुस्तान में 1757 जून में वो लड़ाई लड़ी गई थी। और जिस जगह पे लड़ाई लड़ी गई थी उस जगह का नाम भी प्लासी से, प्लांट से है, पेड़ से है, प्लासी, इसलिए उसको जगह का नाम प्लासी है। और वहाँ लड़ाई लड़ी गई जो पहली, उसको बोलते हैं प्लासी की लड़ाई, और वो भी हमें याद होनी चाहिए किस तरह फिर हमें स्वतंत्रता संग्राम करना पड़ा। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद ही हमारे रेवोल्यूशनरीज ने कितनी यातनाएं सही, और बरगद के पेड़ों से लटका के या पीपल के पेड़ से लटका के भी उनको यातनाएं दी जाती थी जो अंग्रेजों का विरोध करते थे। तो ये पेड़ पौधे जो हैं, जो जंगल जो है, इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ इतिहास है, संस्कृति है, आयुर्वेद है, सेहत है। अगर ये जंगल नहीं होंगे तो फिर हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए पेड़ों को बचाना और पेड़ों के बारे में जानकारी रखना हम सभी बच्चों का एक शौक होना चाहिए। अच्छा बच्चों, थैंक यू।